भाइयों और बहनों को मेरा जोहार और नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। जैसे कि आप सभी की परीक्षा चल रही थी 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, जो कि कल ख़त्म हो चुका है। बस माइनिंग का परीक्षा बचा हुआ जो 29 तारीख तक चलते ही रहेगा। इसके अलावा जो लोग भी हमसे लगातार प्रश्न पूछ रहे थे, आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक शेयर कीजिएगा। जिस तरह 6 सेमेस्टर के मेरे जो बैचमेट थे वो लोग लगातार मुझे सपोर्ट कर रहे, और लगभग कल का जो मैं वीडियो अपलोड किया उसमें 1000 व्यूवर जा चुका है। मतलब मुझे मालूम चला कि 1000 लोग 6 सेमेस्टर के मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए लगातार हम कुछ ना कुछ अपडेट्स लाकर अपलोड कर ही रहे। उसी प्रकार अगर आपके माध्यम से मुझे अच्छा लोग देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, तो मैं भी प्रयास करूँगा कि आपके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ लाता ही रहूँ। चलिए इस वीडियो में समझते क्या मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बेसिकली बताने वाला हूँ एग्ज़ाम एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम सही भी गया, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम खराब भी गया है। कितना पेपर लिखिएगा तो आप पास कर जाइएगा वो मैं अच्छी बताने वाला, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्थ सेमेस्टर, मतलब जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम को आपने दिया क्या इसका कुछ अहमियत है कि नहीं, अगर है तो कहाँ है और नहीं है तो कहाँ नहीं है। साथ में ट्रेनिंग रिलेटेड, ट्रेनिंग जो आप लोगों को करना है अभी फोर्थ सेमेस्टर के बाद ही करना पड़ता है और फिफ्थ सेमेस्टर से पहले करना पड़ता है। इसको आप कहते हैं VT ट्रेनिंग कहिए, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग कहिए, IT कहिए मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहिए, फिर IT कहिए मतलब इन प्लान ट्रेनिंग कहिए। ये एक महीना का ट्रेनिंग होता है माइनिंग को छोड़कर बाकी ब्रांचों का, उन सभी को ट्रेनिंग करना है आफ्टर डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर। मतलब आपने परीक्षा दे दिया है, अब आपको ट्रेनिंग में जाना है, उसे मैं बताने वाला हूँ। साथ में इसमें थोड़ा बहुत ही बताऊँगा इस वीडियो में, इसके ऊपर लगभग मुझे 5-6 वीडियो लाना पड़ेगा। मैं 5-6 वीडियो लगा आपको समझाऊँगा बताऊँगा, तब तक आप सपोर्ट करते ही रहिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर, अगर जानना विद्यार्थी को कहाँ से हम फिफ्थ सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं, कहाँ से हम ज्ञान ले सकते हैं, मैं बताने वाला हूँ। और रजिस्ट्रेशन और रीएडमिशन क्या होता है वो समझाने वाला हूँ, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, समझते हैं क्या करके। एग्ज़ाम एनालिसिस, देखिए जो भी विद्यार्थी अपने कॉपी में एग्ज़ाम का कॉपी में अगर उन्होंने सभी MCQ, क्योंकि आप सभी का MCQ लगभग 20 मार्क्स का था, 10 को MCQ आया था, 20 मार्क्स का था, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है। मतलब आपको MCQ का आंसर आए या नहीं आए, आपको टिक मार के ही आना था, लिख कर ही आना था, सब लोग लगभग लिखे ही होंगे। लिखने के बाद में बाकी जो आपको 5-7 क्वेश्चन में से 4 को बनाना था 15-15 नंबर करके, अगर इस 15-15 नंबर में आपने लगभग 2 क्वेश्चन को सही सही बनाया है, 2 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर को सही सही बनाया, तब आपका नंबर थोड़ा 40-50 आएगा। कब 40-50 नंबर आपका आएगा, जब आपका MCQ कुछ सही हो जाएगा, आपका 2 क्वेश्चन पूरा प्रॉपर सही रहेगा और आप लगभग 10 पेज से प्लस लिखे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 12 पेज लिखा पर वो टू द पॉइंट नहीं लिखा, मतलब टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखा, इधर उधर से अपने मन से आंसर बना बना के लिखा और क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था, इन्होंने आंसर में कुछ लिखा, तो इस कंडीशन में आपको पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएगा अगर आपने 10-12 पेज लिखा तो, मगर उसी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप लिखे होंगे तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पेपर आएगा आपका TOS का और आप लिखेंगे स्टील के बारे में, तो ऐसा दिक्कत है। अगर उसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ लिखे 10-12 पेज आपने, सही सही लिखा, पॉइंट वाइज लिखा, अपना राइटिंग सही से लिखा था, सही से डिफाइन किए थे, तो आप पास कर जाइएगा। और पास और फेल को लेके इतना भी आप चिंतित ना हो, क्योंकि ये जो परीक्षा होता है इसका इम्पोर्टेंस समझिए पहले। फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है, कभी भी कोई आपसे पूछेगा आपने क्या किया, आप कहिएगा कि मैंने डिप्लोमा किया, फिर आपसे अगला आदमी पूछेगा कि डिप्लोमा में कौन सा ब्रांच था, या तो आप इलेक्ट्रिकल कहिएगा, मैकेनिकल कहिएगा, सिविल कहिएगा, CS कहिएगा, माइनिंग कहिएगा, या कुछ भी कहिएगा, जो आपका ब्रांच था वो आप बताइएगा उनको, तो वो पूछेगा कितना परसेंटेज आपका आया। इसका यह मतलब होता है कि फिफ्थ सेमेस्टर में परसेंटेज कितना आया और सिक्स सेमेस्टर में परसेंटेज कितना आया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में प्रमोशन मिला था आप सभी को, फोर्थ का आपने एग्ज़ाम दिया, ये सभी का परसेंटेज कभी भी कोई पूछता नहीं है। कौन पूछता है, तो केवल प्राइवेट कंपनियाँ। अगर आपके कॉलेज के द्वारा जो आपको प्लेसमेंट मिलता है प्राइवेट कंपनी से मिलती है, वहाँ पूछता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना आया था, सेकंड में कितना आया था, थर्ड में कितना आया था, फोर्थ में कितना आया था, फिफ्थ में कितना आया था, सिक्स में कितना आया था, केवल प्राइवेट कंपनी पूछती। इसके अलावा कभी भी आप गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कीजिएगा या फिर कहीं पे भी ट्रेनिंग करते हैं आफ्टर डिप्लोमा, जो ट्रेनिंग होता है अप्रेंटिस का, अगर वो करना चाहते हैं तो आप अगर फोर्थ तक में फेल भी थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, बस आपका फिफ्थ और सिक्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी कारण भगवान न करे किसी का बैक लगे, मगर किसी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट का अगर बैक लग जाता है उसका क्या उपाय है, तो जब आपके 2023 में जब आपका परीक्षा होगा थर्ड ईयर का,
थर्ड ईयर मतलब सिक्स में जब परीक्षा आपका होगा, उसी साल में जो बच्चे 21-24 वाले बच्चे उनका उनका परीक्षा होगा फोर्थ सेमेस्टर वाले, तो फोर्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट का बैक लगेगा तो आप भी अपने सिक्स का भी एग्ज़ाम देते रहिएगा, उसी बीच में जब फोर्थ का एग्ज़ाम होगा तो आपको वो भी एग्ज़ाम देना है ताकि आपका क्लियर हो सके बैक। तो आपका सेमेस्टर बैक नहीं लगता बल्कि आपका ईयर बैक लगेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चे फेल कर जाते हैं तो उनको अगले साल मतलब वो अपना थर्ड ईयर एग्ज़ाम भी देते रहेंगे, वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट कहलाएंगे भी, उससे पहले वो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, मगर उनको अपना फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा अपने जूनियर के साथ में बैठकर एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। बस यही फ़र्क होता है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा हो गया होगा आपके द्वारा तो आप अगला साल एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस प्राइवेट कंपनी में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, वो भी किसी किसी कंपनी में, बाकी सब जगह सही है। आपको ध्यान देना है कि मेरा फिफ्थ सेमेस्टर कैसे अच्छा हो, अच्छा नहीं बेहतर कैसे हो। अगर 74.99% आपका आता है फिफ्थ सेमेस्टर में तब तो आपके आपको मिलेगा फर्स्ट डिवीजन, पर अगर आप लाते 75 या फिर इससे लाते बढ़ाकर 75 लाइए या फिर 75.11% कुछ ले आइए उससे ऊपर ले आइए तो आपको मिलेगा फर्स्ट डिवीजन प्लस डिस्टिनेशन मिलेगा, मतलब आप A1 कैटेगरी में आ गए, A1 बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसलिए जो फोर्थ में हुआ सो हुआ, फिफ्थ में अच्छा करना वो सोचना है। तो बच्चे पूछ रहे भैया फिफ्थ की पढ़ाई कहाँ से करें, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कॉलेज में है, हॉस्टल में है, उनको ट्यूशन उनके कॉलेज हॉस्टल के बगल में नहीं मिल पा रहा, वो क्या करेंगे। देखिए आपका जो सिलेबस है उसको आप आज ही डाउनलोड कर ले, आप इंतजार में मत रहिएगा कि मेरे दोस्त कब पढ़ेंगे, मेरे कॉलेज वाले हमको कब से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, मेरा कॉलेज पढ़ाई स्टार्ट हुआ नहीं। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा कि कॉलेज वाला पढ़ाएगा तो ही आप पढ़िएगा, वो बताएंगे तभी आप समझिएगा, खुद से स्टार्ट कर दीजिए कि सिलेबस को डाउनलोड कीजिए फिफ्थ सेमेस्टर का। कहाँ से डाउनलोड करना है मेरे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें समझा दिया हूँ कहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद में उसको प्रिंट कीजिए या अगर पैसा नहीं है तो उसको आप अपने हाथों से कॉपी में लिख लीजिए। क्या होता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है XYZ, इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, 5 यूनिट में पहला यूनिट जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कुछ पॉइंट पढ़ना होगा, कुछ टॉपिक पढ़ना होगा, फिर कुछ टॉपिक पढ़ना होगा, फिर टॉपिक पढ़ना होगा, तो ये सब टॉपिक को अगर आप YouTube में सर्च करते हो तो आपको बहुत सारा वीडियोस विजुअल देखने को मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा और एक प्रॉपर नोट्स आप खुद से तैयार कर सकते हो। पर अगर आप सोचिएगा नहीं हम सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे यूट्यूब में और मिल जाएगा, तो वैसा नहीं मिलेगा ना, आपको नाम लिखना पड़ेगा यूनिट का, आपको यूनिट के जो अंदर में लिखा होता है ना उसका नाम अगर लिखिएगा यूट्यूब में तभी आपको स्पेशल वीडियो उस टॉपिक पर मिलेगा। इस तरह से पढ़ना पड़ता है। बच्चे क्या करते हैं कि नहीं हम या तो सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे या फिर हम लिख देंगे टॉपिक का नाम लिख देंगे, तो उस तरह नहीं, यूनिट के अंदर में जो टॉपिक्स है उसको लिखिएगा, बिल्कुल आपको वीडियोस मिलेगा, आप खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जैसे लगभग 15,000 बच्चे हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, अब तो आप फोर्थ पे नहीं, अब आप तो फिफ्थ में कहलाइएगा, 15,000 से 20,000 बच्चे होते हैं एक सेमेस्टर में, तो आपके जो कंपिटिटर है बहुत ज़्यादा संख्या में है, अगर आप उनसे बेहतर करना है आपको तो आपको आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। इससे मेरे बात मानते हुए आप आज से ही पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये मैं बता दिया हूँ, एग्ज़ाम एनालिसिस बता दिया हूँ, कॉपी किस तरह से लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, कैसे पढ़ना फिफ्थ सेमेस्टर को मैं बता दिया हूँ। एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा, सबसे पहले एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा सिक्स सेमेस्टर का, मतलब जो हम लोग हैं, जो हम लोग 2019-22 वाले स्टूडेंट थे, पहले हम लोगों का रिजल्ट आएगा, इसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम बहुत पहले हो गया था इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में रिजल्ट आएगा फोर्थ सेमेस्टर का, क्योंकि आपको इस रिजल्ट से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ना आप ट्रेनिंग ही कर पाइएगा मतलब आफ्टर डिप्लोमा वाला, ना आपको नौकरी ही मिलने वाला फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट के ऊपर में, तो ये आपको थोड़ा दिन आराम से मिलेगा, मतलब सेप्टेम्बर अक्टूबर तक आपको रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट को लेकर टेंशन नहीं होने वाले, जब भी रिजल्ट आएगा तो आएगा, आप अपना पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर जाते हो तो आप फोर्थ सेमेस्टर में ही रहिएगा, नहीं, आप अगर फेल भी कर गए हैं तब भी आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपको फिफ्थ वाला ही पढ़ना है, आपको फिफ्थ वाला ही एग्जाम देना है, ये वाला एग्जाम होगा अगले साल जब फोर्थ का एग्जाम होगा, बस यही होता है, ठीक है। तो रिजल्ट मालूम चल गया आप लोगों को, उसके बाद में इम्पोर्टेंस क्या है, तो बस सरकारी नौकरी और सरकारी में ट्रेनिंग करना है तो ये फिफ्थ सिक्स दिखा जाता है, प्राइवेट में नौकरी करना है तो फोर्थ को देखा जाएगा, बस यही बात है। अब हम लोग आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। देखिए आप सभी को आफ्टर डिप्लोमा का फोर्थ सेमेस्टर आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। VT मतलब होता है वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग बेसिकली माइनिंग वाले के लिए होता है, इसका होता है 3 मंथ का ड्यूरेशन, 3 मंथ करना पड़ता है। आप लोगों का होता है IT ट्रेनिंग, मतलब इन प्लांट ट्रेनिंग कहिए या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहिए, टोटल आपको 1 मंथ का करना पड़ता है, 1 मंथ कीजिए या फिर 28 दिन का कीजिए। तो बहुत सारे कॉलेज में
एग्ज़ाम जो आपका स्टार्ट हुआ था 19/7 से, इससे पहले से ही आप सभी को ट्रेनिंग का लेटर इशू होने लगा था। कहीं कहीं इशू नहीं हो रहा था, कहीं कहीं एग्ज़ाम के बाद इशू होने वाला है। तो ये इशू क्या होता है, लेटर क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है? देखिए, बेसिकली जिस भी कंपनी आपको ट्रेनिंग करना है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, आपको अगर ट्रेनिंग करने का मन है तो उस कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद में उस ट्रेनिंग कंपनी का जो मेन ऑफिस होता है, HRD ऑफिस, याद रखिएगा ऑफिस, HRD ऑफिस मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिस, जाना है आपको और पता करना है कि ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं। और अगर ट्रेनिंग मिल रहा है तो क्या क्या प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को आपको खुद से जाकर पता करना चाहिए। अगर आप सुनी सुनाई बातों पर या अपने दोस्त के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो जाएगा तो बताएगा मेरे को, तो आपको ट्रेनिंग मिलने में बहुत देरी होगा, बहुत परेशानी होगा, मिल भी नहीं पाएगा। इसलिए खुद से HRD के बारे में पता कीजिए कि उस कंपनी के, फॉर एग्जांपल एक बच्चा को ट्रेनिंग करने का मन किया नगर निगम में, तो नगर निगम झारखंड में बहुत जगह है ना, तो आपको जानना है कि नगर निगम में कहाँ ट्रेनिंग करना, धनबाद में करना, दुमका में करना, रांची में करना, बोकारो में करना। तो नगर निगम को जहाँ ट्रेनिंग करना वहाँ के ऑफिस में जाइए, वहाँ पता कीजिए कि सर ट्रेनिंग हमको करना, हम इस कॉलेज से आए हैं, हम इस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हमको ट्रेनिंग करना है, सर ट्रेनिंग मिल रहा है क्या? तो वो आपको बताएंगे हाँ ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और अगर नहीं मिल रहा तो कब से मिलने वाला है। तो पूछिएगा कि सर कब से मिलेगा, ये बात जानकारी लीजिएगा, और सर क्या क्या हमको लेकर आना है कॉलेज से। उनसे पूरा पूछने के बाद में अपने कॉलेज में जाके अपने HOD सर से बात कीजिएगा कि सर मैंने इस जगह पता करके आया है, हमको ट्रेनिंग इस कंपनी में करना है, हमको यहाँ के नाम से चाहिए बोनाफाइड लेटर। एक लेटर होता है, इसको आप NOC भी कहते हैं कुछ लोग, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या कुछ लोग कहते हैं इसको बोनाफाइड भी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ रहता है आपके कॉलेज का लोगों के साथ में कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये, आपका फादर्स का नाम ये है, और उस कॉलेज में उस लेटर में प्रिंसिपल सर का साइन होता है, इससे साबित होता है कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट और आपको ट्रेनिंग करना है। फिर लेटर हो जाएगा जमा कीजिएगा HRD में, जो भी प्रोसेस आगे का होगा वो आपको बता देंगे। ऐसे में हर प्रोसेस को समझाने वाले हैं, चाहे जो भी ब्रांच के बच्चे होंगे, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल, CS, माइनिंग के हो, हम ट्रेनिंग के ऊपर लगभग 5-6 वीडियो लाने वाले हैं, समझाने वाले कि किस डिपार्टमेंट वाले को कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है ट्रेनिंग का, और किस किस तरह से आपको दौड़ जाना चाहिए। और अगर जानना है कि ट्रेनिंग किस कंपनी में करना अच्छा होगा, तो जो भी आपके सीनियर आपके ब्रांचमेट है आप उनसे पूछिए। जो बच्चे माइनिंग के हमसे पूछ सकते हैं कि भैया कहाँ ट्रेनिंग करें, BCCL में करें, CCL में करें, ECCL में करें, मगर जो बच्चे अदर ब्रांचेस के होंगे वो अपने अपने कॉलेज के सीनियर से पूछ पता कीजिए कि वो ट्रेनिंग कहाँ किए थे, वहाँ सीखने को मिला था कि नहीं। ट्रेनिंग में आपको 10% ही सीखने को मिलेगा, 10%, वो भी कब, जब इसके लिए आप खुद से जागरूक होइएगा, खुद से एक्टिव रहेगा कि नहीं हमको जानना है क्या मशीन है, क्या ये चीज़ है, वो चीज़ है, तभी सोचिएगा कि हम जाएंगे, हमको क्लासरूम की तरह बैठा कर पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। किसी के पास इतना समय नहीं होगा दुनिया में कि आपको कुछ इतना बताएगा समझाएगा। ये होता है ट्रेनिंग का प्रोसेस। तो ट्रेनिंग के बारे में लाने वाला हूँ वीडियोस, तो इतना मैं समझा दिया बताती हूँ कि आप कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि कहाँ से ट्रेनिंग करना सही होगा, आपके ब्रांच में ट्रेनिंग कहाँ कहाँ बच्चे करते हैं, और HRD में क्या प्रोसेस है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, ये सब जानकारी रख लीजिएगा। और एक होता है री रजिस्ट्रेशन और री एडमिशन। ये क्या होता है, देखिए आप अभी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई किए, एग्ज़ाम दिए, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे भी जो होते हैं ना जो डिप्लोमा फिर नहीं करते हैं, इस बार एग्ज़ाम दे दिया, उनको डिप्लोमा से मतलब नहीं, वो TC लेंगे, अपने घर में बैठेंगे, कुछ अदर काम करेंगे। तो कॉलेज वाले अपने स्तर से एक बार चेक करता है कि कितने बच्चे कंटिन्यू डिप्लोमा कर रहे हैं उस कॉलेज में, और कितने बच्चों ने कॉलेज को छोड़ दिया है, तो वो एक री रजिस्ट्रेशन या री एडमिशन कर बोल के एक फॉर्म को भरवाते हैं। इस फॉर्म में कोई भी तरह का आपसे पैसा नहीं लगता है, जो भी कुल पैसा अगर लेते हैं उसकी कंप्लेन डायरेक्टली या कंप्लेन JUT में कर सकते हैं, इसका पैसा नहीं लगता है, बस इस फॉर्म को भर के बताना पड़ता है कि हाँ आपने अभी उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और आपको आगे भी साल पढ़ना है। इसे जानकारी इकट्ठा होता है कॉलेज के पास में कि हाँ इतने बच्चों ने उनके पास अभी एडमिशन जो लिया था 2020-23 वाले बच्चे वो अभी भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बस यही होता है री रजिस्ट्रेशन री एडमिशन। काफ़ी सारे बच्चे इसको लेकर कन्फ्यूजन थे, भैया मेरा री एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो री एडमिशन होता ही क्या है, आपसे पूछा जाता है कि आप पढ़िएगा ना आगे, तो आप बोल दिएगा कि हम पढ़ेंगे, बस एक लिख के देते ना फॉर्मेट में कि हम पढ़ना चाहते हैं आगे, हमको पढ़ना है, बस यही होता है। और कहीं कहीं होता, हर कॉलेज में नहीं होता, कहीं कहीं होता। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ समझ में आया होगा, और जानना है फोर्थ सेमेस्टर के बारे में तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, हमको लगेगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तभी हम आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। अब मेरा पे विश्वास रखिए कि आपका ट्रेनिंग को लेकर हम पिछले साल में जो मेरे खुद के बैचमेट थे ना उनका ट्रेनिंग में मैंने बहुत हेल्प किया, चाहे वो गोमो में लोगों
अपोजिट में ट्रेनिंग करना हो, नगर निगम में ट्रेनिंग करना हो, या आपको सीएस को लेके सीसीएल में ट्रेनिंग करना हो, तो जहाँ भी हमसे बन पाएगा आपको मैं ज्ञान देने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। फ्री का ज्ञान आता है, आप हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा। मगर कब? जब आप मेरे वीडियो को सपोर्ट किया कीजिएगा, हमसे बातें क्या कीजिएगा। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए मेरा दोस्तों आई डी इंस्टाग्राम, एक इंस्टाग्राम का आई डी जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और एक मेरा फेसबुक का भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप दोनों जगह हमसे ज्वाइन खोजे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम आपको जानेंगे, जान परिचय आपका मेरा होगा, तो लगेगा कि हाँ चलिए आप कुछ पूछिएगा, मैं आपको बताने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते किसी और वीडियो में।